ऑर्गन्स मौजूद हैं आज, कितने हैं जी? आठ। दो चीज़ें हमने क्लियर करनी है, एक ओवेरियन पिक्चर को हम क्लियर करेंगे, ठीक है, कि ओवरीज को आप पढ़ते कैसे हो, कैसे पता लगेगा कि एनिमल इस वक्त साइकिल की किस स्टेज में है, और थोड़ा सा आपको ये बताना है कि अगर आपने एनिमल को इंसेमिनेट करना है, सीमन को आप किधर रख के आते हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करता हूँ कि सीमन को आप किधर रख के आएंगे, वो जो बेस्ट साइट है सीमन रखने की वो कौन सी है। अब सब जानते हैं ये पूरे का पूरा ऑर्गन आपके सामने मौजूद है, ठीक है जी। इसमें ये जो चीज़ आपको बाहर से नजर आ रही है, ये फोकस कर दें, ये जाए, इसको कहते हैं एक्सटर्नल ऑस। यहां से आप रॉड को अंदर पास थ्रू करते हैं, एक्सटर्नल ओपनिंग ऑस कहते हैं ओपनिंग को। तो जब भी आप इंसेमिनेशन करते हैं तो अपना एआई रॉड जो है आप इस के साथ टकराते हैं, ठीक है जी। यहां से जब आप अंदर एंटर होते हैं, जब इसको फिर से हाथ से पकड़ेंगे तो ये मेरा हाथ बता रहा है कि यहां तक जो है ये सर्वाइकल रिंग्स हैं, ठीक है जी। सर्वाइकल रिंग्स आप अपने हाथ से फील कर सकते हैं, ये तीन से लेकर पांच हो सकते हैं, ज्यादातर जानवरों में ये तीन ही होते हैं, बट आई हैव विटनेस्ड सच एनिमल्स जिसमें ये आपको पांच भी मिल जाते हैं, ठीक है। उसके बाद ये इतनी बड़ी जगह है, ये अब देखने की जरूरत है कि इंसेमिनेशन आप इधर करेंगे, इधर करेंगे, इधर करेंगे, कहां करेंगे, ये इंपॉर्टेंट है। उसके लिए सबसे पहले ये सर्विक्स, ये छोटा सा एरिया बॉडी ऑफ यूट्रस, और ये हॉर्न्स ऑफ द यूट्रस, ये आपके सामने आ गए। अब ये तय करना है ये जो एरिया है ये, इसको क्या कहते हैं, बाइफर्केशन, और ये कौन सी बाइफर्केशन है, एक्सटर्नल बाइफर्केशन। अल्लाह की जात ने ये तो बड़ा क्लियर है, यहाँ पे अगर आप गौर से देखें, ये बाइफर्केशन इधर है, इंटरनल बाइफर्केशन यहाँ है, ये आपको बड़ा क्लैरिटी से नजर आ रहा है, लेकिन बाद में क्लियर नहीं होगा, इसमें इतना क्लियर नहीं है इस ऑर्गन के अंदर। यहाँ पे आपको ये एक्सटर्नल बाइफर्केशन मिल रही है, लेकिन इसमें इंटरनल आपको नजर नहीं आ रही, ऐसे ही है, इसमें तो बड़ा क्लियर है, ये देखें दो के दो ऑर्गन अलग हैं, ये पता लग रहा है कि यहां से एक अलहदा हो गया, यहां से ये अलहदा हो गया, ऐसे ही है। अब मैं आपको इसको काट के दिखाता हूं कि एक्सटर्नल बाइफर्केशन और इंटरनल बाइफर्केशन का फर्क क्या होगा। अच्छा मुझे असिस्ट कर देंगे आप, आज पास में खोलेंगे यहां से, इसको ऐसे पकड़ लें आप, इसको खींचे ताकि जरा कटने में आसानी हो, इसको डालना है, शाबाश। ठीक है जी, ये कटनी शुरू हो गई है, ये देखें सुराख नजर आ रहा है, ये बेटे मैं दिखाता हूँ सबके, ये एक्सटर्नल लॉस से हम अंदर को जा रहे हैं, ये आपको ये देखें सुराख, ये सुराख बन रहा है, ठीक है जी। अब मैं यहां से अंदर जाऊंगा, ये देखें जी, ये है सर्विक्स, और इस ठीक है, ये वीडियो बन रही है, शेयर हो जाएगी आपको, अगर नजर नहीं भी आया तो क्लैरिटी से ये बना इस रही है, ठीक है जी। अच्छा इसके बेटे यहां से पकड़े, इसको यहां से थोड़ा सा आगे आ जाओ। अच्छा जी, अब मैं आपको दिखाता हूँ इसके अंदर और जाते हैं जी, ये मैं खोलता जा रहा हूँ बेटे, इसको यहां से पकड़े, अब ये देखें, इसको छोड़ दें बेटे, ये यहां तक अगर आप देखें गौर से देखें, इधर स्ट्रक्चर्स डिफरेंट हैं और यहां डिफरेंट हो गया, तो यहां से हम बॉडी फ्यूटर्स में दाखिल हो गए। ये जितना एरिया था पिछला, ये कौन सा है जी, सर्विक्स, ये सर्विक्स का एरिया है, सर्वाइकल रिंग्स है। अब हम एंटर हो चुके हैं बॉडी फ्यूटर्स में, ठीक है जी। आइए बेटे दोबारा इसको थोड़ा सा और काटते हैं, देखते जा रहे हैं, पकड़े इसको यहां से, ये ल्यूमन नजर आ रहा है आपको। अब ये देखें, अगर मैं इसको लेके जाऊं तो ये
इस हॉर्न में एंटर हो गया और ये इस हॉर्न में एंटर हो गया, सीधा नहीं जा रहा। जब मैं सीधा लेके जाने की कोशिश करता हूँ ये किसी एक साइड पे मुड़ जाता है, ऐसे ही है। अब ये देखें तो छोड़ें, ये देखें, ये आपके सामने दो सुराख बन गए हैं। ये एक ये सुराख है, ये देखें, एक ये सुराख है ये वाला, ये और एक ये सुराख है, ये दो सुराख बन गए हैं। और ये सेंटर में दीवार नजर आ रही है, देखें ये वॉल नजर आ रही है, दिस इज द इंटरनल बाइफरकेशन। ये क्या है जी? फिर देख ले, ये इतना एरिया क्या है सर्विक्स का, ये हिस्सा शुरू हो गया बॉडी फ्यूट्रस, उसके बाद एक सुराख बेटे ये जा रहा है, ठीक है बेटे, अगर लाइट है तो लाइट चला दें, एक सुराख ये जा रहा है और एक सुराख ये जा रहा है, ये दो डिफरेंट ओपनिंग्स हैं। ये आप देख और से देखें, आप सीधा नहीं जा सकते क्योंकि सीधा यहां पर सेपरेशन है, इसलिए मैं कहता हूं बेटे ये है एक्सटर्नल बाइफरकेशन और ये है इंटरनल बाइफरकेशन। अब गलती ये होती है बेटे, आप नए नए इंसेमिनेट करने शुरू करेंगे ना जामरों को, कभी आप यहां करके आ जाओगे, कभी आप यहां करके आओगे, कभी आप इस नुक्कर पे छोड़ोगे, कभी आप इस नुक्कर पे छोड़ोगे, लेकिन जैसे जैसे आपको टाइम गुजरता जाएगा, चीजें सीखते जाओगे, फिर आपकी एग्जैक्ट लोकेशन बनती है ये वाली, ये है बॉडी ऑफ फ्यूटर्स। जब बॉडी फ्यूटर्स में यहां पर आप सीमेंट डिपॉजिट कर देते हैं, दे आर इक्वल चांसेस के ये इधर भी निकल जाएगा और इधर भी निकल जाएगा। तो ये सबसे बेस्ट है कि आपने इंसेमिनेट कहां करना है जी, बॉडी ऑफ यूटरस में, यहां पे टीका रखना है, तो इक्वल डिवीजन हो जाएगी एंड दे आर प्रेटी गुड चांसेस। अच्छा, अगर फॉर एग्जांपल आप जानते हैं कि ओवुलेशन किधर होनी है, आपने ओवरीज को चेक कर लिया, आप कहते हैं राइट ओवरी पे ओवुलेट करना चाहते हैं, हो रही है, तो आप टूवर्ड्स राइट यहां पर आके इंसेमिनेट कर सकते हैं, टूवर्ड्स राइट हॉर्न। अगर आपको पता है कि लेफ्ट साइड पे ओवुलेशन होनी है तो आप टूवर्ड्स लेफ्ट हॉर्न। मैंने एक जमाने में 2013 के अंदर या 12 की बात है, मैंने इंट्रा जना जी ये जो यूट्रस के जो हॉर्न है इसमें मैंने काफी लंबा अर्सा को 1.5 से 2 साल इंसेमिनेशन किए। पहले ओवुलेशन देखते रहे कि कहां पर एक्सपेक्टेड है, उसी हॉर्न में मैं यहां पर आके सीमर रख के आता था, ठीक है जी, इन केस ऑफ लेफ्ट ओवरी। राइट ओवरी में यहां पे सीमन रख के आता था कि मेरा चाहता ये था कि ज्यादा स्पर्म्स उस तरफ चले जाएं, लेकिन मुझे कंसेप्शन रेट में कोई खासर का इजाफा नहीं मिला, इसलिए इस पंगे की जरूरत नहीं है। टुवर्ड्स द हॉर्न, टुवर्ड्स द ओवरी, जहां पे ओवुलेशन होनी है उस तरफ हल्का सा टिल्ट दे के रख, इधर ही आए, आपको आगे जाने की जरूरत नहीं है, ये मैं कर चुका हूं, तो जो मैं कर चुका हूं उसको आप मान सकते हैं, मैंने बहुत लंबा अरसा किया है, 2.5 साल मैं इस पर काम करता रहा, तो ये आपको ये बात समझ आ गई। अच्छा, अब मैं आपको दिखाता हूं कि इसको बेटे यहां से पकड़े, विशाख थक तो नहीं गए आप? नहीं, पक्की बात है। अब मैं आपको अगली चीज दिखाता हूं, ये मैं एक हॉर्न खोल रहा हूं बेटे, गर्मी हो रही है, जिसको भी गर्मी ज्यादा लगे वो पानी जरूर पी ले, ठीक है। ये आप देखें जरा गौर से, ये मैंने एक हॉर्न को खोला है, देख रहे हैं आप, ये अंदर आपको ये स्ट्रक्चर नजर आ रहे हैं, ये देखें, ये और पकड़े जरा इसको, आगे से और बड़े ब्यूटीफुल नजर आएंगे। देख रहे हैं जी, ये अंदर स्ट्रक्चर नजर आ रहे हैं आपको, ये क्या है? दीज आर कैरंकल्स, इसको क्या कहते हैं? मैटरनल कैरंकल्स। इन कैरंकल्स के साथ जब फीटस डेवलप होगा तो यहां पे जो फीटल कॉटिलेडंस है इनके साथ मिलेंगे और प्लेसेंटोम बन जाएगा, ठीक है। ये इस हॉर्न में या इस हॉर्न में इधर साइड पे हो सकता है। अगर आप छोटी प्रेगनेंसी चेक करते हो तो आप क्या करते हैं, आप हॉर्न को ऐसे पकड़ते हो, पकड़ के बहुत सॉफ्टली आप इसके पूरे एंड पे जाते हो, देखते हो ऐसे पकड़ के, जैसे ये हॉर्न है, हम जाते हैं अंदर ऐसे जाके इसको ऐसे पकड़ के स्लाइट फील करते हैं। अभी देखें इसमें कोई फ्लूइड नहीं है, ये खाली है,
लेकिन जब इसमें एमनियोटिक वेसिकल आ जाएगा डे 35 के राउंड अबाउट 30-35 पे, तो एमनियोटिक वेसिकल क्या है? ये एक मेम्ब्रेन है जिसके अंदर बचा है, फीटस के गिर्द तीन मेम्ब्रेन्स, ये एमनियोटिक वेसिकल है और ये जस्ट लाइक बैलून होता है। तो वो एक फ्लूइड फील होगा आपको, टेंशन फील होगी, टेंस फील होगा, उसी से हम अंदाजा करते हैं कि ये जानवर क्या है जी, ये एनिमल प्रेग्नेंट है। ये बात क्लियर हो गई। अब आते हैं जी ओवरीज की तरफ। उससे पहले फ्लॉपिन ट्यूब देख लें, ये आप देख सकते हैं जी, ये जो है जी फ्लॉपिन ट्यूब जो है, ये देखें जरा, ये फ्लॉपिन ट्यूब है, ये आप देखें गौर से, ठीक है जी। अल्लाह की शान, इतने छोटी सी जगह पे जो है बच्चा बनने का अमल तय पाता है, उसके बाद ट्रेवल करता हुआ इधर आ जाता है, ठीक है जी। अब आगे जी ओवरीज, ओवरीज पे एक दो जगह और देख लेते हैं, इसमें फ्लूड अच्छा निकलना चाहिए। ये देखें, ये तगड़ा फॉलिकल है, ये देखें, ये बहुत क्लियर है, ये देखें जरा, अच्छा निकला ना ऐसे फ्लूड से, ये देखें माशाल्लाह। इसके अंदर वो साइड भी होगा, ये देख सकते हैं आप, इस ओवर इस अराउंड 1 cc। अब ये देखें, ये क्या है? ओवुलेशन डिप्रेशन। अब इसको हाथ से फील कर सकता हूँ ना? Yes, क्यों जी? तो इसी को हम हाथ से फील करके बताते हैं कि भाईजान तुहाड़ी गाय कल बोली सी, या हम ये बताते हैं कि इसका इंसेमिनेशन का टाइम निकल गया, या इसी को पकड़ के हम ये हिसाब लगाते हैं कि ओवुलेशन कब होनी है। इसको कैसे करते हैं? देखे, फॉलिकल में जितना फ्लूड भरता जाएगा, गुब्बारे को जितना पानी से भरते जाओगे, एक लेवल आएगा जब वो फट जाएगा, ऐसे ही है ना? आर गुब्बारे की एक रेंज है। इसी तरह ये फॉलिकल है ना, इसमें जैसे फ्लूड भरता जाएगा, जैसे फ्लूड इंक्रीज होता जाएगा, तो इसमें टेंशन बढ़ती जाएगी, अल्टीमेटली कितना फ्लूड इकट्ठा कर लेगा ये। अब आप देख ले, पिछले में कुछ भी नहीं था, इसमें 1 cc निकला है, ठीक है। अब अल्टीमेटली इसको फटना होगा, ये फट जाएगा, जब फटेगा तो ये आपके सामने डिप्रेशन देखें पड़ गया। अब इस कंडीशन में इस ओवरी पे देखें, इधर भी सारे फॉलिकल मौजूद हैं, ये छोटे छोटे फॉलिकल देख रहे हैं, 1, 2, 3, 4, 5, ये छोटे छोटे नजर आ रहे हैं, देयर सो मेनी। दिस इज व्हाट वी कॉल के रिक्रूटमेंट फेस है, डिफरेंट फॉलिकल रिक्रूट होते हैं, आपने आपको मैंने पढ़ाया था, रिक्रूट होते हैं, उनमें से फिर डोमिनेट हो जाता है। अगर प्रोजेस्टेरोन की डोमिनेंस होगी तो ये डोमिनेंट फॉलिकल एट्रेजिया में चले जाएगा, अगर वहां प्रोजेस्टेरोन की डोमिनेंस नहीं होगी तो ये ओवुलेशन पे चले जाएगा। अब इन दोनों फॉलिकल्स में देखें, ओवरीज में आपको कोई सीएल नहीं मिल रहा, ना इधर सीएल है ना यहां सीएल है, इसका मतलब ये हुआ कि ये एनिमल एसाइक्लिक है। क्या है जी? एसाइक्लिक। लेकिन अब अगली बात बड़ी गौर से सुनने वाली है, इस एनिमल को मैं चेक करूंगा, इसकी ओवरीज का साइज नॉर्मल है, इसकी यूट्रस का साइज नॉर्मल है, और इसको ओवरीज पे फॉलिकल भी मौजूद है, इसको सिंपल आप प्रोटोकॉल में डालें, ये बड़ा अच्छा रिस्पॉन्ड करेगा, क्योंकि इसकी ओवरी पे फॉलिकल भी बहुत अच्छे मौजूद हैं। ये जो फॉलिकल जिसका मैंने फ्लूइड निकाला है ना, जैसे ही आपके सिंक्रोनाइजेशन का इंजेक्शन लगेगा, ये ओवुलेट कर जाएगा, यहाँ पे सीएल बन जाएगा, और आप इस प्रोटोकॉल को आगे लेके जा सकते हैं। तो ऐसा जानवर जब भी हम सिंक्रोनाइजेशन करते हैं, वी आर लुकिंग फॉर सच एन एनिमल जो एसाइक्लिक है, और इसको किसी भी तरह से हल्का फुल्का झटका ही चाहिए हार्मोन का, और ये ठक हीट में आ जाएगा। इस बात की समझ आ गई? हाँ, ये एसाइक्लिक, बस झटका मांगता है। इस किस्म का जानवर इवन कि अगर आप एनिमल के अंदर हाथ ले जाए, उसको ऐसे मसाज करके 3-4 मिनट आ जाए ना, तो ऐसे जानवर इतने पे भी हीट शो कर देते हैं विद इन 5-6 डेज, मसाजिंग पे भी हीट शो कर देते हैं। लेकिन वो आप पे डिपेंड करता है कि आप मसाजिंग पे जाना चाहते हो या आपने इसको प्रोटोकॉल में डाला। तो हम तो क्या करते हैं भाई, प्रोटोकॉल में डाल देते हैं। ये और मैंने क्लियर कर दिया। अब आ गया सेकंड, ये देखें जी। अच्छा, ये जानवर देखें, इसको देखें, ये इसकी ओवरी है, इस पर कोई स्ट्रक्चर नहीं है, सिर्फ फॉलिकल्स ही हैं, और इधर आ जाए तो इधर भी यही कुछ है। अब इसकी ओवरीज का साइज देख लें, छोटा छोटा है, तो भाई इसको प्रोटोकॉल में डालना बेवकूफ़ी है। इसको बेशक आप बाल्टी भर के अपनी GNRH की लगा दो, ये हीट में नहीं आएगा। इसके लिए पहले क्या करोगे? अब ये देखें, इसका हॉर्न का साइज बेहतर है। अच्छा, एक और चीज नोट करें, ये हॉर्न छोटा है, ये बड़ा है, वजह यहाँ पे इस हॉर्न में प्रेगनेंसी रही। और अब आपको एक चीज दिखाता हूँ, ये देखिएगा जरा, इसको निकाटेंगे तो अंदर से ये फ्लूइड भी मिल गया आपको। ठीक है जी,
अब ये जो जानवर है ना बेटे, ये इन माई ओपिनियन ये एबॉर्शन वाला जानवर है, या एबॉर्शन में हो सकता है, या ये भी हो सकता है कि इसके पीछे कोई 17-18-20 दिन पहले काविंग हुई हो जो इसकी यूट्रस की सिचुएशन बता रही है, ये दोनों ही हो सकते हैं। अच्छा, इसकी मैंने आपको ओवरी सिखाई है भाई, इसको अभी आप नहीं छेड़ सकते, इसके लिए आपको इसकी फीडिंग पे जोर देना पड़ेगा। ये एसाइक्लिक है, वो था पहला भी एसाइक्लिक, लेकिन वो शैलो एनिस्टिस में था। शैलो एनिस्टिस से मुराद के बाद हल्का फुल्का झटका देना है आपने, एंड शी इज इन डीप एनिस्टिस, ये सोई हुई है पता ही कोई, डीप कहते हैं इसको, गहरी नींद सोया हुआ है। इसके लिए पहले इसकी न्यूट्रिशन बेहतर करनी होगी।